इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में जातिगत जनगणना को लेकर आज एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे। नीतीश कुमार पिछले सालों से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, कई साल से, और इस बार उन्हें बिहार में विपक्षी दलों का भी भरपूर समर्थन मिला है। नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। पीएम से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें नीतीश कुमार समेत 12 नेता मौजूद रहेंगे। जातिगत जनगणना का मामला इस मानसून सत्र से जोर पकड़ना शुरू किया, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि केंद्र जाति के अनुसार गणना नहीं करेगा, और इसके बाद से ही नीतीश कुमार इस मुद्दे पर मुखर हो गए। नीतीश कुमार की अगुवाई में 10 दलों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा। इसमें जेडीयू से तेजस्वी यादव, कांग्रेस से अजीत शर्मा, सीपीआईएमएल से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान, हम पार्टी से अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, सीपीआई से सूर्यकांत पासवान और सीपीएम के अजय कुमार शामिल हैं। जातिगत गणना की मांग कई वक्त से चल रहा है, और बल्कि आजादी के बाद से ही इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आखिरी बार ये साल 1931 में कराई गई थी, यानी कि आजादी से 16 साल पहले। इसके बाद 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन सरकार ने इसके आंकड़े जारी नहीं किए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।